अगर भाई लोग आप भी फोटो एडिटर हैं लेकिन आपको जब फोटो एडिट करते हो तो उससे सबसे पहले आपकी जरूरत पड़ती है वो होता है बैकग्राउंड इमेज। तो आज की इसी वीडियो में सबसे ज्यादा बहुत बेहतरीन बेहतरीन बैकग्राउंड इमेज आप सभी को देने वाला हूँ। इस तरह के बैकग्राउंड इमेज कहाँ से मिलता है, कैसे डाउनलोड करना, सारा सिस्टम आज की इसी वीडियो में बताने वाला। बस इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है, मैं आप सभी को इस तरह के बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड करके दिखाने वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरह के हमारे फोटो एडिटिंग वीडियो आती रहती है हमारे इस चैनल पे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के नई वीडियो आप सभी को और देखने को मिले। तो चलिए हम बता देते हैं कि इस तरह के आपको बैकग्राउंड पोस्टर बैकग्राउंड इमेज कैसे डाउनलोड करना। तो चलिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होता है इमेज सर्च मैन। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लोगे ना, जितना भी फोटो एडिटिंग में मतलब आइटम लगता है वो पूरा यहाँ पर मिलने वाला है। तो प्लीज़ भाई लोग इसको जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए और फिर यहाँ पर आपको लिखना है फोटो एडिटिंग बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर लिख देना है फोटो एडिटिंग बैकग्राउंड। यहाँ पर देख लो भाई लोग, आप सभी को ध्यान से देखना है भाई, यहाँ पर देख दो तो मैंने लिख दिया फोटो बैकग्राउंड इमेज लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है, यहाँ पर जितना भी आपका फोटो एडिटिंग रिलेटेड फोटो होगा यहाँ पर आ जाएगा। करने के बाद थोड़ा लोड लेगा, लोड लेने के बाद यहाँ पर ओपन होकर आप सबके सामने आ जाएगा, जितना भी फोटो एडिटिंग के रिलेटेड बैकग्राउंड इमेजें होंगे वो आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो तो कितना सारा हाई फाई वाला फोटो यहाँ पर आ चुका है। तो यहीं से सारा स्टेप बताऊंगा और भाई लोग यहाँ पर डाउनलोड भी करना बताऊंगा HD में, ताकि आप फोटो डाउनलोड करो तो ब्लर में ना रहे, तो HD में भी डाउनलोड करना सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो तो जैसे मैं इस बैकग्राउंड इमेज को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद थोड़ा इंटरनेट से मतलब स्लो चलता होगा तो थोड़ा लोडिंग लगेगा भाई, क्योंकि HD में डाउनलोड करेगा तो थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो तो बहुत सारा बैकग्राउंड इमेज आ चुका है आपके फोटो एडिटिंग को बेहतरीन बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस इमेज को यहाँ पर देखो तो ओपन कर लिया और डाउनलोड करने के लिए जो डाउनलोड वाला आइकन दिख रहा है इसी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका जो बैकग्राउंड इमेज रहेगा वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो कई सारे बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ पर जिस तरह के चाहो जिस तरह के हेर सकते हो, और यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इस एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, तो प्लीज़ जाइए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और आप भी इस तरह के फोटो एडिटिंग करते हो तो प्लीज़ जाकर इस तरह के बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर लीजिए। एंड आपके दोस्त या फ्रेंड भी फोटो एडिटिंग के मास्टर हैं तो भाई लोग इस एप्लीकेशन को अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो का लिंक कॉपी करके आप अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नई धमाकेदार वीडियो के, जब तक वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब।